होती है तो जो पुलिस की जो सैलरी उसको भी तो इंक्रीज करना चाहिए। अगर वो 24/7 काम करता है तो उसकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की। अगर वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेगा तो कैसे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो पुलिस वाले हैं उनकी जरूरतों को फुलफिल करना चाहिए गवर्नमेंट को, फिर उसको कहना चाहिए कि अगर आप रिश्वत लेते हो तो ये चीज गलत है। नेताओं को वोट देने वाला 49% हिस्सा जो है वो औरतें हैं, ठीक है, और भगवान को पूजने वाला ज्यादातर हिस्सा है वो भी औरतें हैं, ठीक है। तो औरतों से सब चलता है तो हमको पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। पुलिस वाले 24/7 ड्यूटी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप रिश्वत लेना शुरू कर दें। गरीब से छोटा आदमी भी अपनी पूरी फैमिली कम पैसे में चला सकता है। और देश चलाने के लिए एजुकेशन लेवल ऊपर करने के लिए जरूरत पड़ के जितने भी नियम कानून होते हैं वो दुर्घटना हो जाती है, ट्रेन दुर्घटना हो जाती है तो वो हम जिम्मेदार रहते हैं, हमारा गला पकड़ा जाता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे रहते हैं, हमको संभालना पड़ता है, हमको पुलिस को आगे को भेजना पड़ता है, ठीक है। वैकेंसी भी तो किसके वजह से निकलती है, लड़की के वजह से वैकेंसी भी हमारी होती है। आप लोग मानती हो कि आप लोग 24 घंटे खड़े रहते हो, ठीक है, बट आप पे विपत्ति आती है तो आपकी बीवियां आपके घर वाले हमारे पास ही आते हैं कि आपकी ग्रह शांति करवाने के लिए पूजा करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम ही सब जिम्मेदार होते हैं, हम ही सब करते हैं आपके लिए। हम उपवास रख के भूखे प्यासे रख के पानी की घूंट भी नहीं पीते, आपकी लंबी कामना करते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी की भी पत्नी हो या अकेली औरत हो, अपने बच्चे के लिए आती है बट हमारे पास ही आती है। ये होता है आपका उपवास, आपका उपवास यही होता है, अंदर जाके खा के आ जाते हो आप लोग। हम क्या करते हैं, भूखे प्यासे जाके घूमते हैं, कहीं कोई अगर प्रॉब्लम में हो उसका सलूशन निकाले तो पहले हमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, आपको नहीं। विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट आप कोई भी सोशल वर्क नहीं कर सकते हो। जो भी योजना चलाती है हम काम लेके आएंगे, वो तो फंडिंग वगैरह कितना कौन दे रहा है, हम लोग तो दे रहे हैं ना, होती है वही होती है, आप लागू करते हो तभी आप काम कर पाते हो। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखापन। नेता जी आपने आप बातें जो भाषण बहुत देते हैं, मैं आपसे एक साधारण सा क्वेश्चन करूंगा। आप बोलते हैं कि हम बहुत कुछ करते हैं, आप मुझे बताइए आपने बिहार में क्या किया। बिहार का मामला होता है 5 किलोमीटर का ब्रिज आप ठीक नहीं कर पाते हैं, आपको पता है लोगों को कितनी तकलीफें होती है, 1 किलोमीटर का रास्ता खराब है और उस रास्ते को ठीक करने के लिए आपने 10 साल लगा दिए अभी तक, और आप बोल रहे हैं हम लोगों के विकास के लिए क्या कर रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी तिजोरियां भरते हैं, फिर तिजोरियां भरते हैं, कोई ट्रैफिक रूल नहीं है वहां पर, कोई कुछ नहीं है वहां पर, जंगल राज है वहां पर। आप बोलते हैं कि हम लोगों के विकास के लिए करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो भी रोड बनाने का ब्रिज बनाने का टेंडर जो है नेता एनजीओ को आजकल इसे सोसाइटी को देती है, वो नेता टेंडर तो निकाल देते हैं बट ये सोसाइटी सोशल वर्कर होती है, वो समाज सेवा के नाम पे पैसा पूरा खर्च कर 100 करोड़ का बजट अगर पास होता है तो मुश्किल से 20-30 करोड़ रुपए उस ब्रिज के निर्माण में लग जाता है, बाकी 70 करोड़ रुपए आप खाने और खिलाने में निकाल देते हैं, ठीक है। तो जो जब तक नेता नहीं निकालेंगे, आज जो भी आप निकाल लीजिए, जितने भी आप लिस्ट है, हर ब्रिज को बनाने के लिए फंडिंग निकलती है बट कहीं ना कहीं एक आम इंसान या रोड कॉन्ट्रैक्टर जो भी है उस पैसे को खा लेते हैं, जिसके कारण हर 2 साल में वो रोड या हर 2 साल में वो ब्रिज टूट जाती है, जिसके कारण नेता को दोष देना गलत है। नेता वो फंड निकाल रहे हैं बट आप उसका यूज नहीं करते, आप उसको यूज खिलाने में और खाने में कर लेते हैं, जो की गलती सिर्फ आपकी है। जो नेता आप लोग पास करते आप उसमें कितना कमीशन खाते तो आप जब पास करते तो आप पहले साइन करते थे ना, हमारा इतना परसेंट दीजिए उसके बाद आपको टेंडर मिले, पहले तो बात कर लेते, अंदर अंदर बात हो जाए, पब्लिक को पता नहीं चलता, पब्लिक को देती का आप देते हैं अपने रिलेशन वाले, हम नेता किसी को नहीं देते, ये बात आप बोल देते, हम ना देते हैं किसे लेते हैं बट आप अंदर अंदर ले जाते हैं।
आप लोग घपला करते हो, ब्रिज बनाते हो, गिरता है, फिर हमारे पास आते हो, आत्मा की शांति कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हर चीज तो आप हमारे पास आके हमें थोपते हो, अब हमें नहीं बचाएंगे तो किसको बचाएंगे? देखिए, देश में एक प्रवृत्ति में ऐसा होता है कि काल दोष अब चल रहा है, ठीक है, उस काल दोष को हटाने के लिए हमें आप पूजेंगे तभी तो कुछ हो पाएगा ना। अब ऐसे आपस में झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, हम ही बचेंगे। काल दोष को हटाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका भाषणबाजी काफी हो। यहाँ पर काल दोष को हटाने के लिए भगवान की पूजा होती है, ना कि किसी बाबा की पूजा होती है। और काल दोष या फिर कोई भी दोष है वो कर्मों से डिसाइड होता है किसी के। और जनरली अगर पुलिस आदमी अगर कहीं डेड हो जाता है या कहीं शहीद हो जाता है तो उसके पीछे एक अपना नारी रहती है जो घर को स्टेबल करने के लिए रहती है, वही बात पर बैक सपोर्ट करती है। जहाँ तक नेता की बात है, नेता तो ब्रिज बनाते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, घटिया सप्लाई करते रहते हैं और हर चीज़ होता रहता है। सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, ये क्या काबिल तारीफ रहेगा। सोशल तारीफ इसलिए है क्योंकि सब तरीके से लेडीज़ को भी सपोर्ट करती हैं, अच्छा सपोर्ट करते हैं। लेकिन सर हर लेवल में एक अच्छा चीज़ होना चाहिए कि एक अपना नारी को भी संभालने का मौका देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि एक अपना नारी एक आपकी बहन भी होती है, भाभी भी होती है, हर चीज़ रहती है। अगर वो खत्म हो जाएगी तो देश का भविष्य नहीं रहेगा, वो पैदा ही नहीं होगा नेता, ना ही राजनेता पैदा होगा, ना कोई नेता होगा। सर करते तो क्या होता, तो हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसी से ही देश चलता है। अगर हम एजुकेटेड ना बनाए तो इसके लिए प्रोजेक्ट ना बनाए तो कैसे होगा? आप ऐसे ही लोग हैं जो अंधविश्वास फैलाते हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं ये भगवान को पूजा कर करके और योजना का लाभ भी नहीं उठा पाते। सर ब्रिज होने से पहले पूजा क्यों करते हैं? ब्रिज जब करते हैं तो पहले पूजा क्यों करता है? पूजा काम स्टार्ट करने के लिए क्यों करते हैं? भगवान को देखा है, बाबा का ना नहीं करते बल्कि भगवान का करते हैं। भगवान के हम तो भगवान प्रणाम करते हैं ना। अरे वो पूजा इसलिए किया जाता है ना कि साधु के लिए किया जाता है बल्कि श्री गणेश करने के लिए किया जाता है। पूजा की शांति के लिए किया जाता है। हां पूजा करने से ही सब कुछ हो जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो लोग मंदिर में जाके ही बैठे रहते हैं। अगर मंदिर में जाके बैठने से लोगों को शांति और समृद्धि अगर मिलेगी तो फिर जस्टिस की जरूरत ही क्या है? अगर किसी भी कंट्री को आगे बढ़ना है तो रूल्स, रेगुलेशन और जस्टिस बहुत जरूरी है। बगैर इसको लिए बगैर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई भी कंट्री आगे आपका रूल और रेगुलेशन पुलिस वाले ने ही तोड़ता है। वो अपने आदमी को जाने देता है पैसे लेके, चले जाओ भाई, और पब्लिक को रोक देते हैं लाइन में खड़े रहो घंटों। ये रूल और रेगुलेशन है पुलिस वालों का। मैम आप भी पुलिस नेता से और बाबा से ही रिश्वत लेते हैं और बोलते हैं हाँ आप ही चलिए, आप ही सही रास्ते में चल रहे हैं, और हम लोग जो पब्लिक सेक्टर है ना वो लोगों को पीछे रख देते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं हमारे, सिर्फ बाबा और नेता लोगों को ही सुनते हैं, इसीलिए ही रिश्वत लेते हैं हम नेताओं से लेते हैं, सबसे लेते हैं, लेकिन लेते हैं क्यों? अरे सर लेते हैं तो माने। हाँ मानते हैं, हम तो हम आप लोगों जैसा अंदर से नहीं लेते। अरे सर ऑन द टेबल लेते हैं, नहीं हम ऑन द टेबल अंदर से कुछ नहीं लेते हैं। नहीं ऑन द टेबल जो भी लेते हैं क्यों लेते हैं सर? क्यों लेते हैं? आप देते हो इसीलिए हम लेते हैं, हम मानते नहीं है। हम कभी मानते नहीं है। अरेस्ट किसे कर जो देने Raise your hand if you want to speak. I'll be happy to allow you. नेता लोग ही रहते हैं ना पैसा, मतलब अगर नेता नेता है
कोई भी रिलेटिव का अगर पुलिस ने पकड़ लिया है ठीक है, तो नेता क्या करेगा, उसको छोड़ने के लिए कॉल करेगा, अगर नहीं छोड़े तो उसको पैसे देगा, फिर भी पैसे नहीं लिया तो क्या करेगा, उसका ट्रांसफर करवा देगा ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन है पुलिस ही हैंडल करती है, कोई भी सिचुएशन, आप बाढ़ देख लो, कोई भी सिचुएशन देख लो, हमेशा पुलिस का ही मतलब आगे रहता है, प्रोटेक्शन का काम पुलिस करेगी। Yep. ये पुलिस की बातें जो आप कर रहे हैं कि पुलिस करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो पुलिस हैंडल करते हैं, पुलिस की वैकेंसियां कौन निकालती हैं? नेता निकालती है, जो योजनाएं हैं वो भी ड्यू नेता ही के हमारे होते हैं, नेता के बिना आपका कोई भी काम नहीं हो सकता है, इसलिए अभी से ही मान लीजिए कि जो आपके लीडर हैं, लीडर के बिना कोई भी काम समर्पण हो ही नहीं सकता है। और नेता जी वैकेंसीज को फिल करने के लिए आप कितना पैसा लेते हैं? चाहते हैं कि हमारा देश डेवलपमेंट से डेवलपमेंट हो जाए, ना कि हम लोग चाहते हैं कि पैसे लेते हैं और रिश्वत लेते हैं। आप कितना डोनेशन लेते हैं? आप सबने सुना होगा कि नेता भ्रष्टाचार करता है, बाबा भ्रष्टाचार करता है, सोशल वर्कर भ्रष्टाचार करता है, लेकिन आपने कभी सुना कि औरत भ्रष्टाचार करती है? नहीं, औरत नहीं करती है। इसलिए हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए कि एक औरत बचे, क्योंकि औरत बचेगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये सब